बांसुरी बजाई और उस वेणु की ध्वनि को सुनकर गोपियां मन से पहुंची भगवान के पास। तन से तो अपने अपने घरों में है, काम कर रही हैं, लेकिन वहां वृंदावन में वेणु बज रही है। गोपियों के कान में वह वंशित ध्वनि पड़ी, मन पहुंच गया प्रभु के पास। घर में काम करती हुई मन से वृंदावन विहारी का दर्शन कर रही हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रां वेणुरुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट है, लीला शरीर धारण किया है, कान में कनेर का फूल यूं धारण किया है, दो कान है लेकिन एक कान के ऊपर फूल है कनेर का, गले में वैजयंती माला, पग की आंटी लगाई है, खड़े हैं अधरार्पित वेणु है, वेणु में प्राण फूंक रहे हैं और कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। आसपास खड़े ग्वाल सखा कन्हैया की कीर्ति का गायन कर रहे हैं, कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं। गोपियों ने वेणु सुन करके गीत गाया, उसको कहते हैं वेणु गीत। अक्षण वताम फल मदन परम विदामह सख्यः पशूननु विवेशयतुर्वयस्यैः वक्त्रम व्रदेश सुत युरन्वेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अक्षणगतां फलमिदं न परं पितामह। अरे सखियों, वृंदावन में वेणु बजाते कन्हैया का जिन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है उन्हीं के नेत्र सफल हैं। आंख मिलने का सबसे बड़ा फल यही है कि इन आंखों से नंदनंदन श्री कृष्ण का दर्शन किया जाए। वन्य संपत्ति से विभूषित ये कन्हैया कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। एक गोपी बोली, सखी गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो ऋष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्या ऋष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्या। हरि सखियों, वेणु ने क्या पुण्य किया होगा जो कन्हैया को इतनी प्यारी है, जहां जाते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने से अलग नहीं करते, और जब बड़े प्रसन्न होते हैं तो वेणु को अधरों से लगाते हैं और उसको अधर सुधा का पान कराते हैं। एक गोपी बोली, सखी कन्हैया वेणु बजा रहे हैं और वृंदावन में मोर नृत्य कर रहे हैं, मैं देख रही हूं इन मयूरों को नाचते हुए। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्वपरतान्यसमस्त।
सत्वम। ये मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं श्री कृष्ण की वेणु के तान पर। ये मुर्गी अपने कृष्ण सार नाम के मृग के साथ खड़ी, श्री कृष्ण जब वेणुनाद कर रहे हैं तो मुग्ध होकर के सुन रही हैं, प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को देख रही हैं, वो नेत्रों से मानो श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं। ये प्रणय निरीक्षण ये भी नेत्रों से होने वाली पूजा है। सखियों, वृंदावन में ये स्वर्ग की देवियां विमान लेकर के आई हैं, श्री कृष्ण की वेणु को सुनती है, कल्प प्रसून की वृष्टि करती है, देहभान भूल जाती है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता, पीयूष मुत्तबित कर्ण पुटै पिबन्त्यः, गोविंदमात्मनि दृशाश्रु कलास्पृशन्त्यः। श्री कृष्ण की ओर देख रही है, सुन रही है वेणु। वेणु क्या सुन रही है? श्री कृष्ण के वेणु नाद के अमृत को कान रूपी दोने में भर भर करके पी रही है। पीते पीते गायों को समाधि लग जाती है, गायों की आंख बंद हो जाती है, मुंह जो हिल रहे थे चबा रही थी घास, मुंह बंद हो जाता है, घास के आधे चबाए हुए तिनके गाय के मुख में वैसे ही लटक रहे हैं, और जो कान के दोने से पी रही है कृष्ण वेणुनाद के अमृत को, देखो थे क्यों वो अमृत गायों के थनों से दूध बन करके बह रहा। गाय दोहना नहीं पड़ रहा, यहां कन्हैया बांसुरी बजावे और वहां गायों के थन से दूध की धारा। प्रायो बताम बिहगा मनयो वने स्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये सखियों, वृंदावन के वृक्षों पर बैठे हुए इन पंछियों को देखो। सखियों, वे पंछी नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बरसों पर्यंत नाक पकड़ करके बैठे रहे जंगल में, झांकी नहीं हुई भगवान की। वे सब ऋषि मुनि पंछी बनकर के आए हैं वृंदावन में, कन्हैया की झांकी कर रहे हैं, बड़े बड़वागी हैं। और जब श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं तो घरों में अपने बच्चों की चांच में चांच डालकर उन्हें चारा चुगा रहे होते थे, सब भूल जाते हैं और सिर उठाकर यूं श्री कृष्ण की वेणु को सुनते हुए कभी यूं झुकाए सिर को, यूं झुकाए। ये कोयल कूजना भूल गई, बढ़िया से कूज रही थी लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण की वेणु को सुना कूजना भूल गई। पंछियों ने गीत गाना छोड़, ये इतनी मधुर आवाज, पंछियों का कलरव जैसे बंद हो गया, वे स्तब्ध होकर के सुनने लगे। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत,
मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा नद्यस्तदा तदुपधारि मुकुंद गीत नद्यस्तदा तदुपधारि मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा मंथर गति से बह रही हैं, किनारे खड़े पेड़ वृक्ष बहती हवा में झूम रहे हैं, तो उन पेड़ों के पत्ते और फूल यमुना जी में गिरते हैं। श्री यमुना जी उन फूलों पत्तों का श्रृंगार करके प्रेमिका अभिसारिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली हैं। जहां कन्हैया खड़े बांसुरी बजा रहे हैं, वहां अपने तरंग रूपी हाथ भुजाएं, ये तरंग ऐसे 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 यमुना जी में उछल रहे हैं। क्यों? बोले ये यमुना जी की भुजाएं हैं और वे श्री कृष्ण को हग करना चाहती हैं, आलिंगन देना चाहती हैं। और अपने तरंग रूपी हाथों के द्वारा ही भीतर जो कमल खिले हैं यमुना जी के भीतर, वो उन कमलों को किनारे धकेल करके किनारे खड़े प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में कमलार्घ्य समर्पित करती हैं, बार बार वंदन करती है। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में विहार करते हैं और ये बादल छाया करते हुए साथ साथ चलते हैं। कन्हैया को धूप न लगे, जब बहुत गर्मी होने लगती है तो ये हल्के हल्के बरसते हैं, हल्की बूंदा बांदी शुरू हो जाती है, मानो अभिषेक कर रहे हो, गरजते हैं मानो स्तुति कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। सखी ये बादल नहीं वैष्णव है। अरे बहनों देखो, ये वन की भिल्ल नारी, ये भिल्निया श्री कृष्ण वेणुनाद करते हुए जब गुजरते हैं सखाओं के साथ गायों को लेकर, तो ये बन की भिलनिया झाड़ी के पीछे छुपी श्री कृष्ण को देख रही है, दर्शन कर रही है। मन तो करता है कि उन्हें अपनाएं और वे हमें अपनाएं, लेकिन फिर सोचती हैं कि कहां वो नंदव्रज राजकुमार और कहां हम साधारण भिल कन्याएं, उनका और हमारा मिलन कैसे हो सकता है। जब श्री कृष्ण वेणु बजाते हुए बढ़ जाते हैं आगे, तो वे सब जहां झाड़ियों के पेड़ों के पीछे छुपी है, छुपकर दर्शन कर रही होती थी, वहां से निकलकर दौड़ कर आती है सभी, और श्री कृष्ण के चरण का लाल लाल कुमकुम हरी हरी घास पर लग गया है और हरियाली धरती पर लाल लाल चरण चिन्ह छोड़ करके कन्हैया गए हैं। वे सब भिल कन्याएं वहां आकर के धक्का मुक्की और वहां से वो चरण कुमकुम घास के ऊपर से छुड़ा के अपने ललाट पर यूं तिलक कर लेती है, अपने सेठे में लगा लेती है, जैसे श्री कृष्ण के साथ बर ली और सौभाग्यवती हो गई, अपने हृदय पर लेपन करती। हंताय मंत्र बला
यव सकंदर कंद मूलई वर्य है भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं तो कन्हैया की गैया चरती हुई गोवर्धन पर चढ़ जाती हैं तो कन्हैया अपने सखाओं से फिर देखकर कि गैया तो वहां चली गई है अपने सखाओं से बैठे खुद तो अढ़ेल करके आराम से बांसुरी बजाते हैं फिर ए भैया ए स्तोक ए श्रीदामा जरा मेरी गैया को घेरना भैया गिरिराज पर चढ़ गई है। और वे सखा कहते हैं वाह रे भैया तू खुद तो बैठा हुआ बांसुरी बजावे और हम तेरी गैयान को घेरे तेरे बाप के नौकर नहीं है जा संभाल अपनी गैयान को ना हो चाकर नंद बाबा की। तो उठ करके श्रीदेव श्री कृष्ण दौड़ते अरे गिरिराज पर चढ़ गई है रे दाऊ दोनों दाऊ और कन्हैया दोनों भैया हलधर और वंशीधर गिरिराज पर चढ़ते हुए अरे गिरिराज के गिरिकंदरा से प्रतिघोष उठता है और श्री कृष्ण और बलदाव के चरण के स्पर्श से प्रमुदित गोवर्धन इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोम रोम में आनंद। सखियों गोवर्धन पर ये जो पैर खड़े हैं वो गोवर्धन के रोंगटे खड़े हो गए। प्रमुदित गोवर्धन के नेत्रों से अश्रुधारा आनंद की अश्रुधारा बहने लगती है। सखियों गिरिराज से ये जो झरने बह रहे हैं वो गिरिराज जी के आनंद अश्रु की धारा है। फिर अपनी गुफाओं में श्री कृष्ण और बलदाव को विराजमान करता है कंद मूल फल फूल देता है और प्रभु की सेवा करता है ये हरिदास वर्य। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलये एवं विदा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः।
वेणु गीत गाती हुई गोपियां भगवान में तन्मय हुई। वेणु गीत का यही फल है, ठाकुर जी में तन्मयता चाहते हो तो वेणु गीत का पाठ करो।